नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण के इस ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस बेसिक कंप्यूटर कोर्स या बेसिक आईटी स्किल्स के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पिछले सेशन में हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जाना था कि एमएस वर्ड में हम एक टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे हम आउटलाइन चेंज करते हैं, कैसे हम उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम एक कलर को फिलअप कर सकते हैं शेप फिल के थ्रू, और हम उसको रिसाइज कैसे कर सकते हैं और उसको हम कैसे मूव करा सकते हैं। तो हम टेक्स्ट बॉक्स से बहुत सारे एस्पेक्ट्स देखे थे और आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आज के जो सेशन की हम शुरुआत करेंगे कि जो हमने टेक्स्ट बॉक्स किया था उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के बाद आगे हम लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, एमएस वर्ड में कैसे लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग करते हैं वो हम जानेंगे। तो आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दो क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट को यूज करना है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले हमको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, एग्जिस्टिंग मीन पहले से कोई क्रिएट किया हुआ या पहले से बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट हमको ओपन करना है, उसमें हमको एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट किया उसकी आउटलाइन को हमको डिफरेंट कलर में चेंज करना है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को हमें का जो फिल कलर है वो चेंज करना है फिल कलर। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स को हमको डिजायर्ड लोकेशन पे, कोई भी लोकेशन हम चाहे उस पर मूव कराना है, और हमको रिसाइज भी करा लेंगे। और साथ लास्ट में जो हमको टास्क करना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स हमने इंसर्ट किया है उसमें कुछ टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, टेक्स्ट को एंटर करना है, तो ये टास्क करना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस सेशन को। तो सपोज मैंने एक ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल है ये ओपन की हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि हमको एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट टैब में गए। इंसर्ट टैब के बाद टेक्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन है, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्ट इन भी है और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स है, मीन्स अपनी साइड अपने अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर एक क्रॉस हेयर जैसा मार्क आ गया और हमने एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। तो पहला टास्क हो गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का। ओके, नेक्स्ट क्या करना है हमको कि आउटलाइन चेंज करनी है, देन फिल कलर करना है। ओके, तो वो करते हैं एक बार। ओके, करते हैं एक बार, आप देखते हैं। सो हमने टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर लिया, तो उसके पहले हम आउटलाइन को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया तो एक फॉर्मेट टैब एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। उस फॉर्मेट टैब के अंदर शेप आउटलाइन है, उसको हमने सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो जो भी कलर आपको देना है वो आउटलाइन का आप कलर दे सकते हैं। तो देखिए आप बॉर्डर आउटलाइन कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है, या इसका वेट भी कर सकते हैं, ये भी आपका आउटर लाइन जो थिकनेस बढ़ानी है तो यहाँ से बढ़ा दी, और उसके बाद हमने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। तो कोई भी कलर आप ले सकते हैं, यहाँ से हमने कलर चेंज कर दिया इसका। नेक्स्ट है कि जो फिल है, शेप फिल है, कलर है, इसको भी हमको चेंज करना है। तो ये अगेन शेप फिल में गए यहाँ पर, और आप जो भी कलर है अंदर उसको आप चेंज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे, ठीक है। तो मैंने कोई भी कलर ले लिया। ओके, तो यहां से हमारा नेक्स्ट टास्क भी हो गया कि जो फिल कलर है, शेप फिल कलर है, उसको चेंज करना है, वो हमने कर लिया है। नेक्स्ट है कि आपको इसे मूव कराना है टेक्स्ट बॉक्स को। तो टेक्स्ट बॉक्स कराने के लिए यहां पर आपको देखना होगा ये इस तरह का चार एरो वाला जो सिंपल है, जैसे ये भी इनेबल हो गया है, तो उसके बाद उसके बाद आप टेक्स्ट बॉक्स को मूव करा सकते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पर आ गया, तो उसके बाद हमको लेफ्ट माउस को जो लेफ्ट क्लिक है उसको होल्ड करना है, और उसको होल्ड करके रखिए और उसको फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। तो देखिए यहाँ से लोकेशन, देखिए मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर मूव हो गया है, ठीक है, कहीं भी ले जा सकते हैं अपने इस पे। तो लेफ्ट क्लिक को होल्ड करना है और फिर ड्रैग करना है माउस को, और फिर जहां पर ले जाना उसके पास वहां पर लेफ्ट क्लिक माउस को रिलीज कर देना है। इस तरह से हम माउस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स को मूव करा दिया है, और उसी साइज को भी हम ऐसे बढ़ा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये ब्लू वाले जो है इससे हम रिसाइज कर सकते हैं। लास्ट है कि एक टेक्स्ट बॉक्स में आपको कुछ इंसर्ट करना है, टेक्स्ट इंसर्ट करना है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो इसमें एडिट टेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है। तो एडिट टेक्स्ट किया तो यहाँ पे कर्सर देखिए आपका टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ गया, तो आपको जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं उस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये प्रैक्टिस सेशन जो क्वेश्चन थे जो भी डाउट्स थे आपको क्लियर हुए होंगे। हम आगे चलते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। सो आज का जो सेशन का जो टॉपिक है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कि जब एमएस वर्ड में जब कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखते हैं या पैराग्राफ लिखते हैं तो लाइन उस पैराग्राफ की लाइन को कैसे, इनके बीच में स्पेस कैसे हम रखते हैं, या दो पैराग्राफ्स हो गए उनके बीच में कैसे स्पेसिंग करेंगे, तो वो हम जानेंगे। तो जो टॉपिक है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव डॉक्यूमेंट लाइज द डॉक्यूमेंट डिजाइन। या मीन्स जब हम कोई इफेक्टिव डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इसका जो पार्ट है वो किस में करता है, मेन पार्ट वो डॉक्यूमेंट की डिजाइन होती है। तो डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट के यदि कोई पार्ट को देखा जाए तो या फॉर्मेटिंग करें तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हम जो डॉक्यूमेंट है उनकी हमने स्पेसिंग कैसे हमने मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाइंग स्पेस में दो ऑप्शन है, पहला है लाइन ऑफ स्पेसिंग और सेकेंड ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो पहले हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहले लाइंस और टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें जो आपको फॉर्मेट करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा लाइन स्पेसिंग को फॉर्मेट करने के लिए, कि सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप फॉर्मेट करना चाहते हैं। उसके बाद होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप होगा, उसके अंदर कौन सी कमांड पे क्लिक करना है आपको, लाइन स्पेसिंग लाइन। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग कमांड पे क्लिक करना है, उसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो उस पर ऑप्शन होंगे लाइक 1, 1.5, 2, तो इस तरह से आप स्पेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या और दूसरा ऑप्शन क्या है कि लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे तो एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसके बाद लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू को यूज करेंगे और उसमें स्पेसिंग ऑप्शन को चूज करेंगे, और उसके बाद बिफोर और आफ्टर पॉइंट्स है उसको भी मॉडिफाई करेंगे। तो दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली स्पेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं या लाइन स्पेसिंग ऑप्शन के थ्रू आप डायलॉग बॉक्स में जाके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। जो हमने पहला देखा है वो है ये वाला ऑप्शन लाइन स्पेसिंग में, कि आप सिंपल से आप कोई भी 1, 1.15, 1.52 लाइन के बीच में जो भी स्पेस आप इसमें इनमें से आप पुटअप कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन है कि आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप स्पेसिंग दे सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो जो भी आपको स्पेसिंग देनी है आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। या जैसे यहाँ पे 1.5 हो गया, लाइन स्पेसिंग क्या रखनी है सिंगल, ये आप देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग। तो जैसे हमने बताया लाइन स्पेसिंग ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं। तो इस पार्ट को अगर हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं एक बार। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट खोला है यहाँ पर। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये टेक्स्ट जिनको मैं फॉर्मेट करना मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा लाइन स्पेसिंग, इसको हमने सिलेक्ट किया। तो यहाँ से देखिए अभी क्या सिलेक्ट है, साइज 1.15। अब मैंने इसको 1.5 कर दिया तो देखिए लाइन जो दो ये दोनों लाइन थी इनके बीच में स्पेस बढ़ गया है, इन दोनों लाइन के बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं यदि मैं और बढ़ाता हूँ 2 कर दिया तो देखिए स्पेस बढ़ गया। ओके, तो इस तरह से आप या तो ये ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज अगेन आप लाइन स्पेसिंग कमांड को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के पास जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग सिलेक्ट किया तो सिंगल भी है, 1.5, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी डबल सिलेक्टेड है, मैंने इसको 1.5 कर दिया और उसके बाद यहाँ मैंने उसको ओके कर दिया। तो देखिए ये डबल से 1.5 होगा। आपको और भी ट्राई करना है तो आप अगेन लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे गए, आप बिफोर स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर भी आप कर सकते हैं, बिफोर आप बढ़ा सकते हैं,
आफ्टर कम कर सकते हैं। तो देखिए बिफोर वाला और आफ्टर वाला इस तरह से स्पेस ही का, तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर लाइंस के बीच में स्पेस मैनेज या मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो ये दोनों पार्ट हमने मैंने आपको प्रैक्टिकली वे में समझा दिया है। नेक्स्ट है पैराग्राफ स्पेसिंग, कि पैराग्राफ स्पेसिंग कैसे मैनेज करते हैं। सो जस्ट जैसे यूजर लाइंस के बीच में स्पेसिंग फॉर्मेट करता है, मॉडिफाई करता है, इन द सेम मैनर यूजर पैराग्राफ के बीच में भी स्पेसिंग मेंटेन कर सकता है। अभी हमने देखा लाइन, एक पैराग्राफ की लाइंस के बीच में, अब हम दो पैराग्राफ या तीन पैराग्राफ के बीच में कोई स्पेस करना है तो वो हम देखेंगे। सो टिपिकली एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किए जाते हैं बिटवीन द पैराग्राफ्स, हेडिंग और सब हेडिंग्स, और एक्स्ट्रा स्पेसिंग यदि हम ऐड करते हैं पैराग्राफ्स के बीच में तो वो डॉक्यूमेंट को एक अच्छा सा एम्फसाइज कराता है और हम डॉक्यूमेंट रीड इजीली कर सकते हैं। यदि पैराग्राफ के बीच में स्पेस नहीं रहेंगे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये पैराग्राफ कौन सा है, ये कौन सा पैराग्राफ है, या टाइटल कौन सा है, या हेडिंग कौन सा है। तो स्पेसिंग एक्स्ट्रा इसलिए ऐड की जाती है कि रीडर को या ऑडियंस को पढ़ने में इजीनेस रहे। तो पैराग्राफ स्पेसिंग फॉर्मेट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले आप होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन स्पेसिंग कमांड को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ फ्रॉम द मेन्यू। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक स्नैपशॉट लिया है, तो उसी लाइन स्पेसिंग कमांड में दो ऑप्शन होंगे, या तो एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो इसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना वो कर सकते हैं। यदि ज्यादा स्पेस ऑलरेडी है वो स्पेस को रिमूव करना है तो रिमूव स्पेस कर सकते हैं, यदि आपको स्पेस ऐड करना है तो यहाँ से ऐड स्पेस कर सकते हैं। उसके बाद यदि यूजर इन ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना चाहता है तो फिर कौन से ऑप्शन पर जाना है आपको, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे, ये वाला आप देख सकते हैं मेरा मूव कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे स्पेसिंग सेट करने के लिए। तो जैसे आपने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो अगेन ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और यहाँ पर फिर आप बिफोर और आफ्टर पॉइंट्स इन द पैराग्राफ सेक्शन, ये आपको दिख रहा होगा बिफोर एंड आफ्टर मेरा माउस है। तो यहाँ पर आप जो भी पैराग्राफ जो भी आप स्पेसिंग करना चाहते हैं या जो भी वैल्यू डालना चाहते हैं डालें, उसके बाद उसको ओके करेंगे तो पैराग्राफ के बीच में भी स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगा। तो इस पार्ट को हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। ओके सो लेट्स, हमने एक ये हेडिंग ले लिया और एक हमने एक ये पैराग्राफ ले लिया, तो हमने इनको सिलेक्ट कर लिया, या लेट्स टेक दिस ऑल द पैराग्राफ, हमने पैराग्राफ ले लिए, तीन पैराग्राफ ले लिए हमने यहाँ पर देख सकते हैं, और एक हमने हेडिंग ले लिया। देन हम होम टैब के अंदर हमने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम लाइन स्पेसिंग कमांड को सिलेक्ट किया, उसके बाद रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव से आफ्टर पैराग्राफ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेस ऐड किया हुआ है तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे देखो हमने रिमूव करना है तो रिमूव हो गया, बिफोर पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ करना है तो देखिए पैराग्राफ के बीच में जो है वो स्पेस हटा दिया। अब हमको ऐड करना है तो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, सपोज हमको आफ्टर पैराग्राफ ऐड स्पेस ऐड करना है तो हमने, तो देखिए हर पैराग्राफ के बाद स्पेस ऐड हो गया। नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जा सकते हैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे और यहाँ पर बिफोर और आफ्टर जो भी वैल्यूज यहाँ डाल सकते हैं, जैसे बिफोर स्पेस आपको 6 चाहिए और आफ्टर 10 चाहिए या आप 12 चाहिए, उसके बाद हमने इसको, तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग आ गया। तो इससे क्या होता है, एक रीडर को या जो पढ़ने वाला है उसको डॉक्यूमेंट ईजी रहता है कि ये मेरा टाइटल हो गया, ये मेरा पहला पैराग्राफ, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ, लाइक दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ। तो इस तरह से हम पैराग्राफ स्पेसिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इस पैराग्राफ स्पेसिंग का कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम एमएस वर्ड के नेक्स्ट टॉपिक पर प्रोसीड करेंगे। सो आई होप आपको आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग और समझ में आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।